नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती। आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल को, माइंडफिट को शुरू करने में जो एक प्रेरक शक्ति सबसे बड़ा कारण बनी, वो कौन है? वो स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। उनकी एनर्जी है, उनकी ऊर्जा है, उनका जीवन ही प्रेरणा का एक बहुत ताकतवर स्रोत है मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए। उनकी बातें पढ़ने मात्र से आप अपनी आत्मा को झंकृत महसूस कर सकते हैं, आत्मा को उठता हुआ महसूस कर सकते हैं, आत्मा को शक्तिशाली होते हुए फील कर सकते हैं। आज अरिजीत रे ने टाइम्स ऑफ इंडिया के, जो मेरा सबसे फेवरेट वहाँ पर कॉलम है द स्पीकिंग ट्री, उसमें स्वामी विवेकानंद जी को याद किया है और उनके बारे में एक बहुत ही अपनी ऊर्जावान स्टाइल में एक लेख लिखा है। मैं यहाँ पर उनके उस लेख का आप लोगों के लिए भावार्थ पेश कर रहा हूँ, ताकि जैसी शक्ति मैंने महसूस की वैसी ही शक्ति आप भी महसूस करें, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। तो अरिजीत कहते हैं, 19वीं सदी में अपने देशवासियों की आलस्य से भरी, कैसी आलस्य से भरी जड़ स्थिति को देखते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सबसे पहले तो हमारे युवाओं को बलशाली ताकतवर होना चाहिए, धर्म बाद में आएगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तुम गीता पढ़कर नहीं बल्कि फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के करीब पहुंचोगे। बहुत ही फेमस लाइन है उनकी ये। शक्ति का यह संदेश उनकी सभी रचनाओं और भाषणों में गूंजता हुआ सुना जा सकता है, आप सुन सकते हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहते थे, क्या कहते थे? खुद पर विश्वास। क्या? खुद पर विश्वास और परमात्मा पर विश्वास, यही महानता को हासिल करने का रहस्य है। ये रहस्य है महानता को हासिल करने का। पुराने धर्म के मुताबिक तो वह व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक होता है। कौन? जो ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन जो नया धर्म कहता है कि असल में तो वही नास्तिक होता है। कौन होता है नास्तिक? जो खुद पर यकीन नहीं करता, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। अपनी क्षमताओं, अपनी एबिलिटीज में भरोसे के बिना, क्या बोलते थे स्वामी विवेकानंद जी? अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमता में भरोसे के बिना हम वर्ल्डली एक्सीलेंस नहीं हासिल कर सकते। स्पिरिचुअल एक्सीलेंस की तो खैर बात ही छोड़िए। अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है दोस्तों? एक मजबूत इरादे की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमें अभी लोहे की मसल्स और स्टील की नर्व्स चाहिए, हमें ताकतवर इच्छा शक्ति, ताकतवर विल पावर चाहिए, जिसे कोई रोक ना सके। यह शुरुआत है। वह डर है। क्या है? डर है जो कि हमारे जीवन में दुख लाता है। डर ही मृत्यु को लाता है। डर से ही बुरी बातें जन्म लेती हैं। और डर किस वजह से पैदा होता है, क्या आपने कभी सोचा है? डर अपनी ही प्रकृति, अपने ही नेचर के प्रति अज्ञान से पैदा होता है। दोस्तों, हमें मालूम ही नहीं कि हमारे भीतर कैसी कैसी शक्तियां छिपी हुई हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हम सिर्फ हाड़ मांस के बने पुतले नहीं हैं। क्या नहीं है? हाड़ मांस के बने पुतले। हमारे भीतर अजर अमर आत्मा भी रहती है, एक शक्तिशाली पावरफुल आत्मा। जी हाँ, यही अज्ञान हमारे संतापों की मूल वजह है। संतापों यानी कि हमारे दुख की मूल वजह है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमें निर्भीकता की ओर बढ़ना होता है। निर्भीकता यानी फियरलेसनेस। यह इतना आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने अपने जीवन को अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी के साथ बांध दिया है, उन्हीं के बीच सीमित कर दिया है। इसके चलते नुकसान होने का डर, हमें कुछ हानि हो जाएगी, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, इन सब बातों का डर हमारे मन को हमेशा एक घबराहट में डाले रखता है। हमेशा हम घबराते रहते हैं कुछ बुरा सोचते हुए, बुरे की आशंका में घबराते रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, ताकत गुडनेस है। क्या? ताकत गुडनेस है, कमजोरी पाप है, सिन है। अगर उपनिषदों में कोई एक शब्द जो किसी अज्ञानी पर बम की तरह फटता है, तो वह शब्द है निर्भीकता, फियरलेसनेस। क्या? फियरलेसनेस। इस निर्भीकता को केवल एक शांत मन से ही अनुभूत किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। डर से बाहर निकलने के लिए एक डिटरमाइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसी प्रैक्टिस जो हमें निस्वार्थ कर्म के लिए प्रेरित करे, हमसे कम अटैचमेंट के साथ काम करवाए, इस भरोसे के साथ कि यह एक डिवाइन यानी परमात्मा का ही काम है।
इसके लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और बहुत धीरे धीरे हमें अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी स्पीच की हम क्या बोल रहे हैं, इन सब को अपने स्पिरिचुअल गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए, जिससे हम आंतरिक रूप से शुद्ध होने लगेंगे, प्योर होने लगेंगे। जब मन आत्मा से जुड़ जाता है दोस्तों, जब मन आत्मा से जुड़ जाता है तो विचारों की गड़बड़ी अपने आप खत्म होने लगती है और डर जो है वो निर्भीकता यानी फियरलेसनेस में बदल जाता है। विवेकानंद जी कहते थे कि हम फियरलेसनेस पर गीता के श्लोक 2.2 और 2.3 को समझ लें तो हम पूरी गीता को समझ सकते हैं। अगर 2.2 और 2.3 को समझ लें, जब अर्जुन भय, शोक और मोह से अभिभूत होकर रथ में बैठते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें एक झटका देते हैं। क्या झटका देते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारे योग्य नहीं है अर्जुन, तुम वीर स्वभाव के हो, इस कमजोरी को छोड़ो। आप सबको पता है कि किस तरह अर्जुन युद्ध करने को मना करते हैं, तो वो कहते हैं श्री कृष्ण, खड़े होकर लड़ो, युद्ध करो, युद्ध करो। शरीर और मन से खुद की पहचान जोड़ने के कारण हम डर और मोह से पैदा होने वाली कमजोरी के सामने आ जाते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, ठीक वैसे ही जैसे कि अर्जुन आ गया, यह हमारे और हमारे असली स्वभाव के बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ा देता है। जब हम अपनी नजर को फैलाते हैं तो हम अपने सच्चे नेचर, अपने सच्चे स्वभाव की एक सुगंध पाते हैं। यह जो हमारा सच्चा स्व है, सच्चा जो सेल्फ हमारा, यह शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तब अद्वैत का सर्वोच्च ज्ञान, क्या अद्वैत का सर्वोच्च ज्ञान, क्या तत्वमसि, तू वह है, यह ज्ञान हमें समझ में आता है। हमें समझ आता है कि हमारे भीतर भी वही वास्तविकता है जो कि हमारे आसपास के जीवों में है। हम दूसरों से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। यह ज्ञान जब समझ में आता है तो ही जीवन का सत्य हमें समझ में आता है। स्वामी जी कहते हैं, जब एक आदमी कहता है, क्या कहता है, कि मैं सब में हूं, हर किसी में हूं, मैं हर जीवन में हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तब ही वह फियरलेसनेस यानी कि निर्भीकता को हासिल कर पाता है। राइट दोस्तों, यही वह समय है जबकि हमें स्वामी जी के उठो जागो इस आह्वान का जवाब देना चाहिए। हमें कमजोरी के जिस सम्मोहन ने जकड़ा हुआ है, राइट, उसे हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। हमें अब उठ खड़ा होना चाहिए और अपने भीतर मौजूद परमात्मा की शक्ति का उपयोग हमें करना चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि अपने भाग्य के निर्माता सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। दोस्तों इन बातों ने मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा कर दिया है। मुझे यकीन है आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। अगर ये बातें आपको काम की लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर ही यह चैनल शुरू किया गया था, माइंडफिट जो चैनल है, 3 साल पहले शुरू किया था। आपके सपोर्ट से चैनल तेजी से ग्रो कर रहा है। हमें इसे 10 मिलियन, कितने, 10 मिलियन युवाओं तक पहुंचाना है। यह जितना मेरा मिशन है उतना ही आपका भी मिशन है, उतना ही आपका भी है। कृपया मेरे साथ बने रहें, हमेशा वर्तमान क्षण में जिएं और मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।